हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और इंजो की होगी पिक्का कार्ड। मेरे पास यहाँ पे दो पायल्स हैं, पायल ब्लू ब्लू बो और पायल पिंक बो। सो आपको जो भी पायल चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सो तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पायल ब्लू से। देखते हैं जिन लोगों ने ब्लू पायल चूज़ किया है आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। साथ में ओरेकल कार्ड भी ऐड किया है ताकि आपको एडिशनल गाइडेंस मिल सके अराउंड द सिचुएशन। सो ओरेकल कार्ड्स हम बाद में देखते हैं, पहले हम टैरो से चेक करें कि व्हाट्स कमिंग अप आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेट्स सी, एस ऑफ वांड्स, द चैरियट, फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वांड्स और सेवन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आप अपनी लव लाइफ में राइट नाउ मुझे लगता है कि कुछ आपकी लव लाइफ में राइट नाउ एक ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर आप राइट नाउ फील कर रहे हो कि बस आपकी बस हो चुकी है उस इंसान को लेकर। बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत डिपेंड कर लिया इस इंसान के ऊपर अपनी खुशियों के लिए, अपनी अपने अपने डिज़ायर्स यू नो लव लाइफ को लेकर जो है उनको पूरा होते देखने के लिए। लेकिन आप तंग आ चुके हो, अब आपको लगता है कि आप इतना ज़्यादा एफर्ट कर चुके हो कि यू डोंट वांट टू डील विद इट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप आने वाले 48 आवर्स में आप जितने लोगों से भी मिलोगे, चाहे फैमिली है, फ्रेंड्स है, हर कोई आपको ऐसे ही फील देगा कि यू नीड टू मूव ऑन। आपको यही फील आएगा कि जैसे मतलब इट्स हाई टाइम कि आप मूव ऑन कर जाओ इस कनेक्शन से, इस इंसान से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ये फील आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपके लोग जो हैं वो आप उनकी बातें सोचोगे, अपने आसपास के लोगों को देखोगे जिनकी हो सकता है आप अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स से मिलो जिनकी रिसेंटली शादी हुई हो या एंगेजमेंट हो रही हो, तो आपके जहन में एक चीज़ आएगी कि यू नो एवरीबडी हैज़ अ परफेक्ट लव लाइफ, तो मैं क्यों सफ़र कर रही हूँ, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जो कि शायद कनेक्शन में कुछ दे नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि एक वो फीलिंग जहाँ पे आपको खुद के लिए बुरा लगना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि आपको और इस कनेक्शन के अंदर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। आप कहीं ना कहीं सोचोगे कि इट्स हाई टाइम कि मैं अपनी लव लाइफ में मूव ऑन करूँ, चाहे कोई भी यू नो नया इंसान क्यों ना हो। आप उस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी करोगे, आप अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करोगे, क्योंकि आपको और इस तरह के कनेक्शन में नहीं रहना जहाँ पे आपको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, जहाँ पे आपको कोई रिलेशनशिप जो है वो फ्लरिश होते नहीं दिख रही, जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीज़ें वहीं की वहीं हैं। आप एफर्ट करोगे तो बैलेंस रहेगा, आप एफर्ट नहीं करोगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा। सो अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जिसके बाद आपका दिल करेगा कि बस इनफ हो गया, आपको इस सब से अपने आप को निकालना पड़ेगा। लोग भी बातें कर रहे हैं, आप खुद भी खुश नहीं हो। एक होता है ना कि अगर लोग बातें कर रहे हैं बट आप खुद जो है वो खुश हो, या आप खुद उस चीज़ के लिए यू नो इतना अपने आप को फील नहीं कर रहे, बुरा फील नहीं कर रहे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है यू नो दैट, लेकिन देखने वालों को लग रहा है कि शायद बुरा है, शायद अच्छा है, आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी कमिटमेंट नहीं हो रही है, वो और चीज़ होती है। आपको डीप डाउन आपको पता है कि आपका कनेक्शन अच्छा है और डीप डाउन आपको पता है आपका पर्सन बिजी है या जो भी रीजन है जिसकी वजह से कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा, वो एक अलग फीलिंग होती है। लेकिन सम हाउ आप खुद भी इस चीज़ से फेड अप हो चुके हुए हो, जहाँ पे आपका दिल करता है कि बस इनफ हो चुका है, अब आपको अपनी लव लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए, कुछ स्टेबल चाहिए, जो कि आप यू नो एक रिस्पेक्ट के साथ आप ऑन कर सको अपना रिलेशनशिप। आपको वो तरह की यू नो फीलिंग्स चाहिए अब अपने कनेक्शन में, तो कहीं ना कहीं वो मिसिंग है राइट नाउ आपकी लाइफ से। और आपको आपका दिल करने लग जाएगा कि इनफ हो गया है और आप डिसाइड करोगे कि ठीक है यू नो जो भी हुआ हुआ, आई लेट इट ऑल सरेंडर टू द डिवाइन। तो मुझे लगता है कि आप बेसिकली डिवाइन को सरेंडर कर दोगे कि जो भी मेरी लाइफ में मेरी जैसे ख्वाहिश है, मेरी जो डिज़ायर है, मेरा जो विश है लव लाइफ को लेकर, जैसा यू नो वैसा इंसान जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसा इंसान कोई भी मेरी लाइफ में आएगा, आई वुड एक्सेप्ट दैट पर्सन एंड मूव ऑन। तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को बेसिकली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करोगे इस नेक्स्ट 48 आवर्स में। नॉट दैट कि आप पर्पज भी कर रहे हो, इट्स मोर लाइक कि सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट होंगे जहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि यू वॉन्ट टू मूव ऑन। आप मूव ऑन करना डिसाइड करोगे, आप किसी पर्सन का वेट करना डिसाइड नहीं करोगे। आपको लगेगा कि सिंस द डिवाइन इज टेकिंग चार्ज, तो अगर ये मेंट टू हैपन है तो हो जाएगा, नहीं है तो एटलीस्ट यू आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट। आपको कोई एफर्ट नहीं करना क्योंकि यू आर डन विद दैट। आपको लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हो उस सिचुएशन के लिए जहाँ पे आप कुछ भी वैसा जैसा आप डिज़ायर करते हो वैसा अगर आपकी लव लाइफ में आएगा तो आप मूव ऑन करना चूज़ करोगे। तो मुझे लगता है कि आप बेसिकली इस तरह का एक डिसीजन बनाने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, जहाँ पे जैसे ही आपने ये डिसीजन बनाया
आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा आएगा, चाहे वो पास्ट पर्सन के एंड से आए, चाहे वो न्यू पर्सन के एंड से आए, लेकिन आपका ये डिसीजन बनाना आपकी लव लाइफ में 48 आवर्स में आपको एक लव ऑफर ज़रूर आएगा, जो कि पास्ट पर्सन के साथ भी हो सकता है, जो कि एक नया पर्सन भी हो सकता है, लेकिन जो भी ऑफर होगा वो तभी आएगा जब आप ये डिसीजन बना लोगे. सो मेजॉरिटी लोग डिसीजन बना रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, और डिसीजन बनाते के साथ ही हो सकता है इन्हीं 48 आवर्स में आ जाए, हो सकता है कि इसके बाद जो नेक्स्ट 48 आवर्स हो उसमें आपकी लाइफ में एक पर्सन आए, लेकिन डिसीजन डेफिनेटली 48 आवर्स में बन रहा है. लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए. क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन. अगेन आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर होनी चाहिए. आपको जो भी चाहिए, आप जो भी डिसाइड करो, स्टिक टू दैट इंटेंशन कि भाई मुझे ये चाहिए. यू नो, अगर आपको एक नया इंसान चाहिए तब भी, और अगर आपको आप ऑप्शन अपना ओपन रखना चाहते हो, आप यूनिवर्स को कहते हो कि जो भी आपकी लाइफ में आपके लिए वैसा है जैसा आप हमेशा से डिजायर करते थे अपनी लव लाइफ में, वैसा इंसान आपको चाहिए, चाहे वो पास्ट का है या न्यू है, तो वो चीज़ भी है. लेकिन जस्ट मेक इट वेरी क्लियर टू द डिवाइन कि आपको क्या चाहिए. आपको पास्ट पर्सन चाहिए तब भी मेक इट क्लियर, और अगर न्यू पर्सन चाहिए तब भी मेक इट क्लियर. क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए. ये नहीं है कि दिल में आप सोचो कि नहीं पास्ट पर्सन आ जाओ और ऊपर ऊपर से आप कह रहे हो कि न्यू पर्सन चलेगा. यू नो, यू हैव टू बी वेरी श्योर, यू हैव टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि अगर आप अंदर से कन्फ्यूज हो गए तो यूनिवर्स इज ऑल्सो गोइंग टू पिक अप दैट साइन ऑल्सो. तो ये नहीं हो, ये नहीं आप फिर कह सकते कि आपने सोचा तो था लेकिन डीप डाउन आप क्योंकि कन्फ्यूज थे इसलिए आपकी लाइफ में 48 आवर्स में कुछ नहीं होगा इन दैट सिचुएशन. सो मेक श्योर कि आपकी इंटेंशन क्लियर है, तभी आपकी लाइफ में ये एक पर्सन जो है वो जरूर आएगा, एक ऑफर जरूर आएगी. बी क्लियर अबाउट वट यू डिज़ायर एंड फोकस अपॉन इट विद अनवेवरिंग फेथ. एक तो अपनी डिसीजन बनाओ पहले, फर्स्ट थिंग, उसके बाद उसके ऊपर फोकस रहो और अपना फेथ जो है वो आपने लूज नहीं करना. जेंटलनेस, बी वेरी जेंटल विद योर सेल्फ एट दिस टाइम. अपने साथ जेंटल रहो, काइंड रहो, और अपने आस पास में उन लोगों को रखो जो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं. ट्राई नॉट टू बी अराउंड पीपल जो आपको नेगेटिव या बुरा फील कराएं. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन्होंने ब्लू पाइल चूज किया. Let's move on to the next pile. जिन्होंने पिंक पाइल चूज किया, let's see के जिन लोगों ने पिंक पाइल चूज किया, let's find out के next 48 hours में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है. Oracle cards हम एंड पे देखेंगे, पहले हम टैरो से स्टार्ट करेंगे. So let's see. King of Cups, King of Wands, wow. The Devil, The Fool, wow. Ten of Pentacles, beautiful, wow. मुझे लगता है कि जिन लोगों ने पिंक पाइल चूज़ किया आपकी लव लाइफ में, आपका और आपके पर्सन का जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक यू नो, अगर आप सिंगल हो तो मैं उनकी एनर्जीज आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी इंसान के साथ हो और उस इंसान के दिल में हमेशा से आपके लिए प्यार था, है, लेकिन हमेशा उसने अपने जो लाइट हार्टेडनेस है इस कनेक्शन को लेकर उसको आगे रखा, यू नो, उसको आपको शो किया, एक्सप्रेस किया, जैसे यू नो, आप कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हो, उस तरह की एनर्जीज, आप फन टाइम्स के लिए हमेशा रेडी हो, कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको उस इंसान के अंदर खुद के लिए जो है वो चेंज और बदलाव नज़र आएगा. आपका वही पर्सन जो है, जो आपको हमेशा से लगता था कि नॉन कमिटल है, वो आपको हर अपने एक्शन से आपको फील करवाएगा कि आप उसके लिए कुछ स्पेशल हो. आपको एक नई वाइब फील होगी कनेक्शन के अंदर, जैसे आपका कनेक्शन रिवाइव हुआ है. मुझे आपका एक्शन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा. हो सकता है कि आप नॉन फिजिकल एक्शन ले रहे हो, जहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे आप एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आपको शायद आपको इस अलाइनमेंट में लेकर आ रहा है, जहाँ पर आपका पर्सन आपके साथ जो है वो बदल रहा है. आपका पर्सन आपको सब कुछ दे रहा है, स्लोली बट श्योरली राइट डायरेक्शन में कनेक्शन जा रहा है, जहाँ पर आप और आपका पर्सन के बीच में जो केमिस्ट्री है वो तो हमेशा से स्ट्रांग रही है. फिजिकल बॉन्डिंग भी हमेशा से स्ट्रांग रही है, सेक्सुअल एनर्जी हमेशा से स्ट्रांग रही है. बहुत पैशनेट रहा होगा आप लोगों का कनेक्शन सेक्सुअली भी, लेकिन कभी भी आपके पर्सन ने ओपनली जो है अपना प्यार, फीलिंग्स, इमोशन एक्सप्रेस नहीं किए होंगे. वो आपको आपके पर्सन के अंदर एक चेंज नज़र आएगा आने वाले 48 आवर्स में. हो सकता है आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत उसमें चेंज नज़र आना शुरू हो जाए, जहाँ पे आपका पर्सन आपको शायद अगर आप मैसेज करते हो, बात करते हो, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बात कर जाता है, या फिर आपके हर मैसेज का रिस्पॉन्ड कर रहा है, या कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस कर रहा है अपने अंदर टूवर्ड्स यू, जो आप हमेशा से एफर्मेशन यूज़ करते आए हो, या आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसका रिजल्ट दिख रहा होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में, आपके स्पेसिफिक समवन के साथ
आप एक नई बिगिनिंग जो है वो एक्सपीरियंस करोगे. इट्स मोर लाइक कि आपको अब रिवॉर्ड मिल रहा है, मुझे आपका एफर्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि इट्स मोर लाइक बीइंग सर्व टू यू इन प्लेट, जैसे आपको रिवॉर्ड किया जा रहा है, आपको ब्लेसिंग दी जा रही है बाय द हेवंस. आप जो चाहते थे आपको वो मिल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि आप वो एफर्ट कर रहे हो जो आपको मिल रहा है उसके लिए. इट्स मोर लाइक कि आपने कर चुके थे, फिर आपने शायद या तो गिव अप कर दिया होगा या गिव ऑन कर दिया होगा टू द डिवाइन, कि जब टाइम होगा तो वो खुद से ऑटोमेटिकली आपका पर्सन आपकी तरफ आएगा, तो वो डेफिनेटली अब आपकी तरफ खिंच रहा है, आपकी तरफ पुल फील कर रहा है, वो आपके आपको लेकर उसके दिल में फीलिंग्स जो हैं वो डेफिनेटली इंटेंसिफाई हो रही हैं, जहाँ पे आपका पर्सन ओपनली थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करना शुरू करेगा, जो कि पहले शायद बहुत रिजर्व रखता था, अपने सिर्फ और सिर्फ वो फन पार्ट को जो है वो आपके सामने एक्सपोज करता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसके अंदर से आपको फीलिंग्स इमोशंस भी आपको आना यू नो शुरू हो जाएंगे अपने पर्सन की तरफ से, और आपकी एक न्यू बिगिनिंग जो कि स्टेबिलिटी को लीड करेगी और स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड करेगी आप दोनों के दरमियान में, वो चीज़ मुझे दिख रही है. हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान में कुछ ऐसा हो जो कि सर्कमस्टांसेस की बेस पे कुछ बदलेगा, जिसमें आप दोनों की जो बॉन्ड है उसको एक यू नो एक फाउंडेशन मिलेगी. हो सकता है कि आप बहुत सपोर्टिव रहे हो अपने पर्सन को लेकर, हो सकता है कि वो एक ऐसा कुछ इंसिडेंट हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जिसके बाद आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि यू कुड बी द वन, तो वो एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन इट्स गोना बी लाइक डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस जो आप दोनों के दरमियान में क्रिएट हुए हैं ऑलरेडी या फिर होने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, जिसके बाद आपके पर्सन को डेफिनेटली एक होप एक उम्मीद नजर आएगी कि हाँ ये कनेक्शन जो है वो कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि या तो आपने कोई फाइट पिकअप नहीं की, या तो आपने कोई आर्ग्यूमेंट पिकअप नहीं किया, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन को एक सपोर्ट के जैसे उसके साथ हो लेकिन आपको ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन उन चीजों को नोटिस कर रहा है जो कि शायद आपको दिख नहीं रहा, एंड देन आपको उसके रिवॉर्ड में आपके पर्सन के अंदर पॉजिटिव चेंज आता दिखेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में. ना अगर जो लोग सिंगल हैं, मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में आपको अ फ्यू ऑफर्स जो है आने वाली हैं, उसमें आपका एक पास्ट पर्सन भी होगा और एक नया पर्सन भी होगा, लेकिन somehow आपकी इंक्लिनेशन होगी पास्ट पर्सन की तरफ, लेकिन अगर आप न्यू पर्सन चूज करोगे टू बी वेरी ऑनेस्ट न्यू पर्सन आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. क्यों? क्योंकि पास्ट पर्सन के साथ आपकी जो एनर्जीज हैं यू नो उस पर काफ़ी हद तक एक टॉक्सिसिटी रहेगी, क्योंकि आप हील नहीं हुए हो इन दैट सिचुएशन. लेकिन अगर आप कोई नया पर्सन चूज करते हो तो आपके माइंड में बहुत क्लियर पिक्चर है कि कोई नया इंसान है तो आपकी लव लाइफ आपको कैसी चाहिए, जहाँ पे शादी हो, कमिटमेंट हो और सारा कुछ हो. विद पास्ट पर्सन शायद आपके अंदर वो क्लैरिटी नहीं होगी और आप कहीं ना कहीं आप फिर से पास्ट पैटर्न के अंदर घुस जाओगे और फिर से वही लूप आप शेयर करोगे अपने पर्सन के साथ, जो कि गलत रहेगा आपके लिए. सो इन दैट सिचुएशन अगर आप सिंगल हो कम्प्लीटली और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पास आपका पास्ट पर्सन और न्यू पर्सन भी होगा, मेक श्योर यू चूज द न्यू पर्सन, क्योंकि न्यू पर्सन की वाइफ जो है बहुत स्टेबल है, पास्ट पर्सन की जो है वो लाइफ वाइब जो है वो स्टेबल नहीं है, शायद हो सकता है उसकी लाइफ भी स्टेबल नहीं हो, सो मेक श्योर कि यू चूज द न्यू वन. ओरेकल का आप देखते हैं, ओरेकल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए. नोटिस योर रिकरिंग फिजिकल एंड इमोशनल फीलिंग्स एज द सिग्निफाइड डिवाइन गाइडेंस. आपको कहीं ना कहीं इमोशनली जो है ना गाइडेंस मिलेगी, आपके इमोशंस आपकी फीलिंग्स को वॉच करो एंड यू विल बी गाइडेड टूवर्ड्स द राइट पाथ फॉरवर्ड. आपके लिए क्या करना सही रहेगा इस पूरे सिनेरियो में वो भी आपको पता चलेगा. दूसरा ये कि आपको कौन सा इंसान चूज करना चाहिए वो भी आपको, जब आप अपनी फीलिंग्स देखोगे, आपको न्यू पर्सन के साथ एक पॉजिटिव वाइब फील होगी, एक फ्रेश एनर्जी होगी, वो द पास्ट पर्सन आपके जहन में पास्ट की जो पूरी एक स्टोरी है वो आपके दिमाग में आएगी और आप उस चीज़ में नहीं जाना चाहोगे मेजॉरिटी लोग. सो मेक श्योर कि आप अपनी फीलिंग्स को जो है वो ज़रूर वॉच करो, क्योंकि वो आपको गाइड करेगी कि आपके लिए क्या पाथ सही है. क्रिएटिव राइटिंग, मेक टाइम टू राइट डाउन योर थॉट्स इन अ जर्नल और पेन एन आर्टिकल और अ बुक. नाउ अगर आप मुझे लगता है कि जो लोग ऑलरेडी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी ये सब कर रहे होंगे, लाइक ऑलरेडी सेट के, हो सकता है आप टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से आपका पर्सन के अंदर ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है. लेकिन अगर आप नया पर्सन भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मेक श्योर यू राइट थिंग्स डाउन कि आपको अपने पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, ताकि वो इंसान उसी तरह से आपकी लाइफ में वापस आए या न्यू पर्सन आए जैसा आप चाहते हो. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.